हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट आउट की गई है। वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वैकेंसी जो निकालने वाली डिपार्टमेंट है वो बहुत बड़ी है। इंडिया की सबसे बड़ी प्रोडक्शन देने वाली पावर ग्रिड। पावर ग्रिड एक बहुत बड़ी महारत्ना कंपनी है यार, और जितने भी महारत्ना कंपनी है इसमें से सबसे ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करने वाली, सबसे ज़्यादा पर्क्स प्रोवाइड करनी एंड सबसे ज़्यादा सुविधा वाली जो जॉब्स है वो पावर ग्रिड है। हालांकि थोड़ा रिस्क होता है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड ज़्यादा होता है, लेकिन जो पावर ग्रिड है भैया, इसमें अगर आपकी जॉब लग जाती है तो लाइफ सेट है। बहुत बड़ी सैलरी इसमें प्रोवाइड की जाती है। आईटीआई स्टूडेंट को स्टार्टिंग सैलरी देखो 31,000 से लेकर 74,000 सैलरी प्रोवाइड करती है। डिप्लोमा बी बीटेक वालों तो पूछो ही मत, बोरा भर भर के पैसा देता भैया। ये डिपार्टमेंट में अगर आपका कोई रिलेटेड है तो आपको पता होगा ये बहुत पक्स प्रोवाइड करती है, क्योंकि मैं भली भांति इस डिपार्टमेंट से परिचित हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से रिक्रूटमेंट आउट की गई है। बहुत इसमें एक ही ट्रेड के लिए रिक्रूटमेंट है एक पोस्ट पर, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट जितनी भी हो भैया, डिपार्टमेंट अच्छा खासा हो तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगर आप जितनी भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे ऑल इंडिया के कोई सा भी स्टूडेंट हो, इसमें जॉब लग जाएगी तो आप सबके लिए बहुत बड़ी अच्छी बात होगी। और जितनी भी गवर्नमेंट जॉब सपना देख रहे हैं ना इधर उधर, सबसे अच्छी जॉब्स है ये। चलिए डिटेल में बात करते हैं नोटिफिकेशंस के जरिए। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन पावर ग्रिड। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फिलिंग अप बैकलॉग वैकेंसी इन ERTS 2। पोस्ट नेम है जूनियर टेक्नीशियन फॉर इलेक्ट्रिकल। सो आपका जो ब्रांचेस आपका होने वाला है इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस में, जूनियर टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट आउट की गई है। लेटेस्ट वैकेंसीज है, महारत्ना कंपनी में लिस्टेड है। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप सच में गवर्नमेंट जॉब्स पाना चाहते हैं आईटीआई के स्टूडेंट, तो एक चीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि महारत्ना कंपनी में अभी टोटल कितने कंपनी लिस्टेड हैं। देखता हूँ कितने स्टूडेंट होते हैं जो सच में गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में जोर शोर से लगे हैं और जितोड़ मेहनत है उनका, कोई ना कोई जॉब्स लेकर जाएंगे। देखता हूँ कितने बच्चे स्टूडेंट में तैयारी करने वाले सच्चे स्टूडेंट होते हैं, या फिर आप खुद को धोखा दे रहे हैं। चलिए कमेंट करके बताइए। जो वैकेंसी है यार, नंबर ऑफ पोस्ट और नेम ऑफ पोस्ट वैकेंसी है जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की, जो कि मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये वैकेंसी रिलीज़ की गई है ईस्टर्न रीजन ट्रांसमिशन सिस्टम 2। ईस्टर्न रीजन होता है आपका कोलकाता साइड में, जितने भी नॉर्थ ईस्ट वगैरह, तो ईस्टर्न में आपका वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम दोनों का कवर होगा। पावर ग्रिड की ये ट्रांसमिशन सिस्टम है और अंडरटेकिंग स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है फॉर 1 वैकेंसी एंड स्पेशल SC कैटेगरी। ये एक ही वैकेंसी है और SC कैटेगरीज में है। जिस कैटेगरीज में हो ये फ़र्ज मेरा बनता है देना, क्योंकि 2-4 कमेंट आ चुका था मेरे पास और स्टूडेंट, और एक्चुअली में वैकेंसी डिपार्टमेंट बहुत बड़ी है यार। एक वैकेंसी निकले, कितनी भी निकल ले, बताना फ़र्ज बनता है, चाहे SC का ही जॉब क्यों ना लगे। इसमें अपर एज लिमिट है 32 साल, 18 साल से लेकर 32 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी, ST SC वालों को 5 साल की, OBC वालों को 3 साल की। 29 अप्रैल 2023 को आपकी जो एज है वगैरह आपकी काउंट की जाएगी, तो एक बार ज़रूर देख लेना कट ऑफ एज की। और यहाँ पर बात करें इंडक्शन लेवल की, तो W3 ग्रेड की आपकी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग होगी, देन परमानेंट जॉब्स। कोर्सेज की मैं बात करूँ, ITI पास आउट होना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपने ITI पास आउट किया है, 2 ईयर की जो ट्रेड होती है, तो इलेक्ट्रिशियन पास आउट होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि ITI पास इलेक्ट्रिशियन, NCVT SCVT कोई सा भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट आ चाहे आप डिप्लोमा BBTEC MTEC कुछ भी कर रखो, ये सब कुछ भी अलाउड नहीं, हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। ओनली फॉर ITI स्टूडेंट्स के लिए रिक्रूटमेंट है, और वो भी SC और एक ही वैकेंसी। बोलेंगे भैया एक ही वैकेंसी के लिए कितना हो अल्लाह, क्या करोगे यार, एक ही वैकेंसी है। SC वालों को जॉब्स मिल जाएगी तो बहुत बड़ी बात है, सबके लिए बहुत बड़ी बात है। किसी को भी एक ही पोस्ट चाहिए होती है, सबको 10 पोस्ट नहीं चाहिए होती है। चलिए बात करें रिजर्वेशन रिलैक्सेशन की, तो कास्ट सर्टिफिकेट की होना चाहिए और कोई JNK डोमिसाइल है, अदरवाइज विक्टम है राइट्स की, तो उन सबको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन इसमें दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा। सैलरीज की मैं बात करूं, जब आपकी ट्रेनिंग रहेगी ना 1 साल की, तो आपको 18,500 ट्रेनिंग पीरियड में आपको स्टाफन दी जाती है। भैया स्टाफन नहीं है, सैलरी है। रेलवे में तो सैलरी इतनी मिलती है 18,500 रुपये, और जब आपकी परमानेंट जॉब्स लगेगी 1 साल के बाद, जो आपकी सैलरी होगी 21,500 विथ 3 ईयर 3% इंक्रीजमेंट के साथ 74,000 प्लस IDA, बहुत ही ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड करती है
पावर ग्रिड, मौका मत जड़ना अगर आप एलिजिबल हैं इसमें तो। और एक चीज़ मैं बता दूं, आईटीआई लेवल के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी पावर ग्रिड में निकलने वाली है फिर से, क्योंकि डिप्लोमा की निकल चुकी है, बीटेक की भी निकल चुकी है, अब सिर्फ आईटीआई की बाकी है जूनियर टेक्नीशियन लेवल पे। 120 क्वेश्चन पूछा जाता है, 50 क्वेश्चन आपका वोकैबुलरी वगैरह से पूछी जाती है, पार्ट वन पार्ट टू में होता है। 120 क्वेश्चन आपका जो टोटली नॉलेज से रिलेटेड, यानी कि आपका ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाएगी। ओके, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें देख लो, रिटर्न टेस्ट कोलकाता ही होगा। कैसे अप्लाई करना है इसकी भी डिटेल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो में आपको नहीं देने वाला हूँ, एक वैकेंसी के लिए क्या ही वीडियो दूँ मैं। 18 ईयर मिनिमम ईयर है अप्लाई करने का, 18 से 35 साल एज लिमिट है। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है मौका मत छोड़ना, जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करना। 17 अप्रैल से स्टार्टिंग है, 29 अप्रैल तक लास्ट डेट है, तो आज ही लास्ट डेट है गाइस, बहुत जल्द करें, अंतिम मौका इसलिए मैं आज दे रहा हूँ आपको, आज ही लास्ट डेट है, जल्दी से जाकर अप्लाई कर लो। तुरंत ये वीडियो अपलोड हो रही है, वीडियो देखो और जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताओ। तो होपफुली गाइस यही बतानी थी, यूजफुल लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चले मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाएंगे।